हेलो एंड वेलकम अगेन। आप के अपने चैनल के अंदर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बताने वाला हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कई दिनों से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आमतौर पे आपके मन में ये क्वेश्चन है कि रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या रिजल्ट तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। जहां तक लेट की बात थी तो वो दो तीन बार मैं आपको बता चुका हूं कि 16 तारीख तक आपका करेक्शन चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी इतना लेट नहीं होना चाहिए था क्योंकि आजकल मार्क्स जो है वो ऑनलाइन फीड किए जाते हैं। जैसे ही जो आपका करेक्शन करने वाला टीचर होता है वो मार्क्स डेली अपनी जितनी कॉपियां करता है उतना ही वो शाम को मार्क्स सीधा चढ़ा देता है ऑनलाइन, तो डायरेक्ट वो मार्क्स जो है वो सीधा आईएससी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं। तो डेली फीडिंग होती है तो वो साथ के साथ रिजल्ट प्रिपेयर होता चला जाता है सभी सब्जेक्ट का। बस आखिर में जाके वो कंपाइलिंग वगैरह होती है जिनके अंदर की 2-4-5 दिन और मैक्सिमम 1 हफ्ता लगता है। तो मेरे हिसाब से 1 हफ्ता 23 तारीख को हो गया है और 24 और 25 तारीख की उम्मीद थी और अभी भी है मेरे को, और मोस्ट प्रोबली कल आपका रिजल्ट आना चाहिए और आज शाम तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अगर आज नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर रिजल्ट परसों आएगा और इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। तो रिजल्ट प्रिपेयर है, तैयार है। अब इसके अंदर आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, आई थिंक देयर इज अ संडे टुडे, तो इसलिए पिछली बार भी संडे को रिजल्ट आया उसमें काफी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई स्कूलों के अंदर, तो इसलिए अब की बार शायद संडे को रिजल्ट इसीलिए आज नहीं दिया है। तो आज शाम तक मेरे को जहां तक उम्मीद है नोटिफिकेशन आना चाहिए और कल रिजल्ट आएगा। और कल अगर नहीं आया, आज नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कल रिजल्ट नहीं आएगा और कल फिर नोटिफिकेशन आएगा। तो मैक्सिमम 1 दिन का टाइम आपके पास है और मोस्ट प्रोबेबली जो है 99% जो रिजल्ट आपका कल आ जाना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि मेरे पास जो भी सूचनाएं अभी मेरे को मिल रही है, रिजल्ट बहुत ही आपका बढ़िया आया है और लगभग 40,000 से ज्यादा बच्चों के 90% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। और ये सूचनाएं जो है मेरे पास में बहुत ही, मतलब आप ये सोचिए कि मैंने पूरी सूचनाएं इकट्ठी करके आपको दे रहा हूं। और ये सूचनाएं मेरे पास कहां से आई तो मैं आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट के मेरे पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं, क्योंकि मैं एक स्कूल में काम करता हूं और मेरे साथ में रहने वाले जो कलीग्स हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट के करेक्शन के अंदर जाते हैं। तो उनसे जो मेरी बातें हुई तो सबने जो ओवरऑल हर टीचर जो अपना करेक्शन करता है उसका एक आइडिया मेरे को मोटा मोटा उन्होंने दिया कि इतने बच्चों के 90 से ऊपर जा रहे थे। तो उसी हिसाब से अगर मैं टोटल देखूं तो लगभग 35-40% बच्चों के 90+ मार्क्स एवरेज में आ रहे हैं। और उसके बाद जब आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स मिलते हैं तो वो मार्क्स और इन्हेंस हो जाते हैं और आपके 100% में, आपको जो खबर दे रहा हूँ ये बिल्कुल सही है कि लगभग 40,000 से ज्यादा बच्चों, क्योंकि 1,00,000 से ज्यादा बच्चे आईएससी के अंदर बैठे हुए हैं, तो लगभग 40% बच्चों के आपके जो 90+ परसेंटेज आने वाला है। जहां तक फेल की बात है तो फेल बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, 1% से 1.5% तक बच्चों का रिजल्ट इधर उधर होने वाला, और वो इस कारण है, मैंने पहले भी आपको बताया है, वो इसलिए नहीं है कि आपके मार्क्स कम आए, वो इसलिए है कि कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई रिजल्ट एग्जाम नहीं देता किसी कारण से, कई चीजें उसके पीछे हैं। अगर किसी ने फॉर्म भर दिया, रिजल्ट एग्जाम नहीं दिया, 1-2 एग्जाम मिस हो गया, तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वो फेल होते हैं बच्चे। अगर आपने पूरे एग्जाम अपने दिए हैं अच्छे से और भले ही नंबर थोड़े से कम आए हैं, उससे फेल नहीं होने वाला। अगेन मैं आप रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो फेल होने के चांसेस बिल्कुल कम है। जहां तक कंपार्टमेंट की बात है, मोर देन 2 सब्जेक्ट अगर आप फेल, मतलब 1 सब्जेक्ट में फेल होने से फेल नहीं होते हैं, अगर आप 1 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुआ तो कंपार्टमेंट की पॉसिबिलिटी आती है। और बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी लेट है, कि कंपार्टमेंट अब मेरे हिसाब से आईसीएसई बोर्ड नहीं देगा, या तो फेल करेगा या आपको पास करेगा। अगर बिल्कुल आपने कुछ नहीं करा तो आप फेल हो सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले। तो इस तरह से बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, आप सब खुश हो सकते हो और रिजल्ट बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। आप मतलब यहाँ पे अभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द आईसीएसई बोर्ड की जिससे वो लेट हो कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि सीबीएसई ने दोनों रिजल्ट अपने दे दिए हैं, आईसीएसई ने भी 10th का अपना रिजल्ट दे दिया है, 12th का रिजल्ट आने में ये जो देर हो रही, हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच छोटा मोटा।